हेलो फ्रेंड, जिंदगी गुलजार है मैं सबका स्वागत है। और आज है 2 सितंबर संडे और जन्माष्टमी की शुभकामनाएं आपको और आपके पूरे परिवार को। और मैं सबसे जानना चाहूँगी कि क्या कर रहे हैं आज आप लोग जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर। हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी कल छुट्टियां होंगी, जो कल इंजॉय करेंगे मंडे भी। और दोस्तों, मैं आज एक सवाल लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, शायद एक नहीं दो, हाँ एक, कि औरत के क्या मायने हैं हमारे समाज में। चाहे वो आपकी माँ हो, आपकी बहन हो, आपकी बेटी हो, या आपकी बीवी हो, आपकी गर्लफ्रेंड भी। और क्या औरत को पढ़ाना चाहिए। दूसरी चीज़, मतलब ये दो सवाल हैं, इनके आगे चीज़ें ये हैं कि मेरे हिसाब से हम सब, चाहे मेल हो, फीमेल हो, या तीसरा जेंडर हो, हम सब रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं, अनटिल एंड अनलेस। थर्ड कंडीशन अप्लाइड, अनटिल अनलेस एक्स्ट्रा, या आप ये कहें कि अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रखते हैं हम। मेरा यही मानना है कि हम सबको एक दूसरे को सम्मान देना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। और दूसरी चीज़ जो कि मोदी जी भी कह रहे हैं, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, दोनों ही चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप पीछे से चीज़ें देखें तो हमारे समाज में कहा जाता है कि 1000 पे 800 लड़कियां हैं। एक रैंडम जो चीज़ें सामने आती हैं कि 1000 के रेशियो पे 800 लड़कियाँ हैं। तो अब ऐसा है कि नहीं है ये तो मुझे नहीं पता, मैं इतने फैक्ट्स एंड फिगर्स में नहीं जाऊंगी और ना इतना डेप्थ में जा रही हूँ। लेकिन दोस्तों, मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि अगर महिलाएं अपने हक के लिए, अपनी राइट्स के लिए लड़ती हैं, तो मैं एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करूँगी, बेशक आप उनका साथ ना दें, बेशक आप उनको मोटिवेट ना करें, लेकिन आप उन्हें डिमोटिवेट भी ना करें। समाज, हमारा प्यारा समाज, औरतें जो अपने हक के लिए लड़ती हैं, जो अपने हक के लिए बोलती हैं, उन्हें गलत कहता है, गलत निगाहों से देखता है। क्या गलती है मैं जानना चाहूँगी उस औरत की, जो अबला नहीं सबला बनके अपनी ज़िंदगी जी रही है। और तीसरी चीज़ कि हमारे समाज का एक हिस्सा ये भी आज तक कहता आ रहा है कि बेटियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए कि वो बिगड़ जाती हैं। मुझे नहीं पता कि वो बिगड़ जाती हैं या क्या, लेकिन वो डिपेंडेंट नहीं होती किसी के ऊपर, इंडिपेंडेंट हो जाती हैं। तो समाज का अगर एक तबका काबिल बन जाएगा तो इसमें मुझे नहीं लगता किसी का नुकसान है, कुछ भी नहीं है नुकसान मेरे हिसाब से। अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने व्हाट्सएप पे एक स्टेटस डाला था कि बेटियों को पढ़ाना चाहिए या नहीं पढ़ाना चाहिए। मैं आपको अपना थॉट दूंगी कि बेटियों को पढ़ाना चाहिए। मैं दूसरा पॉइंट दूंगी जो चल रहा है 2018 में भी, बेटियों को पढ़ाना नहीं चाहिए। आपको पता है क्यों? जब वो ज़्यादा पढ़ लिख जाती हैं तो सर पे चढ़ जाती हैं, सुनती नहीं है फिर किसी की, और वो सहती नहीं है। ससुराल में जाके बहुत कुछ सहना चाहिए दोस्तों। अगर आप, मैं कहती हूँ, अगर हमारे समाज का कल मोदी जी ये एक रूल ले आए, जैसे डिमोनेटाइजेशन आया था, जैसे कहा जाए कि कल को लड़का ससुराल जाएगा और लड़के का सरनेम चेंज होगा और लड़का दहेज लाएगा और लड़के को प्रताड़ित भी किया जा सकता है, क्योंकि औरत भी तो हो रही है ना। तो दोस्तों, आप बताइए, क्या मर्द को प्रताड़ित करना सही है? नहीं है ना। अगर आप अपने व्हाट्सएप पे आने वाले मैसेजेस देखें तो उसमें बहुत सारे जोक्स बनते हैं जिसमें कि ये कहा जाता है कि औरत अपने पति को प्रताड़ित करती है।
तो मैं कहूँगी कि अगर ये प्रताड़ित प्रताड़ित वाला खेल चलता रहा तो फिर तो यही बात आ जाएगी ना कि अगर आँख के बदले आँख ली गई तो एक दिन पूरा समाज अंधा हो जाएगा। क्या आप जान रहे हैं, क्या आप देख रहे हैं कि समाज वाकई अंधा हो रहा है? दोस्तों, मैं बहुत ओपन वर्ड्स में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती ऑन यूट्यूब, बट होता है। इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड, इन दिस मॉडर्न एरा ऑफ 2018, औरतों के साथ अभी भी जुल्म हो रहे हैं और उनको यही समझाया जा रहा है कि अगर ऐसा हो रहा है तो कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा गृहस्थी को बसाने के लिए सहना पड़ता है। अगर मैं कहूँ कि मेरा मानना तो दोस्तों ये है कि आदमी और औरत गृहस्थी के दो पहिए होते हैं। अगर थोड़ा सा भी एक ऊपर नीचे में हवा कम हुई टायर में तो क्या लगता है गाड़ी चल पाएगी? लेकिन आप देखिए, वो औरत उस गृहस्थी को चलाती है। तो आप सोचिए कि सबसे ज़्यादा टैलेंटेड कौन हो? मैं यहाँ पर किसी भी इंसान को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ दोस्तों, लेकिन मैं हर्ट हूँ समाज के इस रवैये को लेके, और मैं बहुत ओपनली बोलूँगी यूट्यूब पर कि मैं समाज को नहीं मानती। मैं ये नहीं कह रही कि आप बेटी को बेटे की तरह पालें, बिल्कुल नहीं। बेटी में अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, बेटे में अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, और समाज में अच्छे बेटे भी हैं और अच्छी बेटियाँ भी हैं। सो प्लीज़ बेटियों को सपोर्ट करें, उनके साथ खड़े रहें। आपका एक साथ उन्हें मजबूत बनाएगा। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ सभी से कि बेटियों को पढ़ाएं भी, बेटियों को वो आज़ादी दें जिनकी वो भी हकदार हैं। हाँ, कुछ चीज़ें समाज में गलत हो रही हैं, नो डाउट। हम कहते हैं कि बेटियां टाइम पे घर आ जाएं, लेकिन फिर मैं कहूँगी कि आप बेटियों को मजबूत बनाएं। हर मसले का हल लड़ाई नहीं, लेकिन जहाँ लड़ाई की ज़रूरत हो वहाँ पीछे हटना भी नहीं। आज का व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो गया, 7 मिनट, शायद 8 मिनट हो जाए जब तक मैं आप लोगों को बाय बोलूं। तो मैं चाहूँगी कि आप अपने कमेंट्स दें। ये एक सीरीज़ शुरू करूँगी मैं, शायद औरत के ऊपर, औरत के मान सम्मान को लेकर और उसकी शिक्षा को लेकर। तो आप लोग जुड़े रहिएगा ज़िंदगी गुलजार से, और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जब आप चैनल सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे आपको मेरे नए व्लॉग्स के नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे और आप नए व्लॉग्स देख पाएंगे। तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, आज के लिए मैं आप लोगों को यहीं पे करूँगी बाय बाय, और देखते रहिए, ज़िंदगी गुलजार है के नए व्लॉग्स। टिल देन, बाय बाय।